महानगर के पूर्व अध्यक्ष यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मुकेश शर्मा जी, सदस्य विधान परिषद साथ में आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जोरदार ताली बजाकर आदरणीय माननीय जी का धन्यवाद दीजिए, तालियों के माध्यम से उनका स्वागत कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं लखनऊ के सदर कैंट क्षेत्र में लगने वाले रक्षाबंधन मेले में। यह मेला रक्षाबंधन की रात में लग जाता है और अगले दिन रात तक चलता रहता है। यह मेला वाल्मीकि समाज के लोग लगाते हैं। वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर निशान धरते हैं जो महाराज गोगावीर को समर्पित है। पुलिस यहाँ पूरी निगरानी करती है, पुलिस बल यहाँ मुस्तैद है पूरी तरह से, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो पाए। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग मेले के अंदर चलते हैं। दोस्तों, ये बैरिकेडिंग लगा दी गई दोस्तों, ताकि कोई वाहन वगैरह अंदर ना जा पाए, और जो लोग अंदर मेले का मजा ले रहे हैं, मेले में घूम रहे हैं, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो पाए। ये मेले का मुख्य द्वार है मित्रों, और इसी से हम अंदर जा रहे हैं। काफी बड़े बड़े झूले लगते हैं यहाँ पर। ये बच्चे मेले में एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी दुकानें यहाँ लगती हैं, खिलौनों की, कप, क्रॉकरी, खाने की। काफी पब्लिक यहाँ आती है दोस्तों, और ये मेला मैं अपने 45 साल की उम्र में, करीब 40 साल 42 साल से मैं ये मेला देख रहा हूँ, और ये इससे बहुत पुराना है। मुझे लगता है इस मेले को लगते रहते यहाँ करीब 100 साल हो चुके हैं। ये देखिए पुलिस अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से कर रही है। और दोस्तों, ये हम आ चुके हैं जहां निशान लगते हैं। ये दोस्तों निशान है सारे, यहां पूजा हो रही है। यहां लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, और प्रसाद में आपको शायद जानकारी हो, चावल के आटे की मीठी मीठी गोलियां बनाते हैं, उनको अंदरसा बोलते हैं। तो वो ये यहाँ पर जो प्रसाद है वो अंदरसा चढ़ता है। ये देखिए दोस्तों, आज इस मेले में भाग लेने आए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, और ये आ चुके हैं ब्रजेश पाठक जी, ये मंच पे जा रहे हैं। दोस्तों बहुत अच्छी चीज लगी दोस्तों, ब्रजेश पाठक जी मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, और यहाँ लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। ब्रजेश पाठक जी वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, और एक वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। देखिए बिल्कुल प्रेम से लोगों से मिल रहे हैं, कोई उनके अंदर ईगो नहीं है कि मैं डिप्टी सीएम हूँ। बहुत अच्छे से उन्होंने आए, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का किया है, जिससे
के लिए आप दिन ब दिन आपकी लोकप्रियता आम जनों में बढ़ती ही चली जा रही है। हम आज के इस कार्यक्रम में दिलों की गहराइयों से आप सभी हमेशा ये है दोस्तों निशान। निशान भास में बहुत सारे नारियल बांधे जाते हैं और बहुत सारे इसका बहुत वेट हो जाता है और इसको लोग अपने पेट पे या कंधे पे बांस काफ़ी रश है दोस्तों। बहुत लोग यहाँ आए हुए हैं और श्रद्धा से अपने प्रसाद चढ़ा रहे हैं। देखिए आप देख रहे होंगे बहुत रश है, इतना रश है इस मेले में कि आपको बताएं यहाँ पर चलने की जगह नहीं मिल रही है। ये ब्रजेश पाठक जी निशान जो होते हैं उन पर आए हैं मत्था टेकने के लिए। बाल्मीकि समाज यहाँ पर ब्रजेश पाठक जी को पगड़ी पहना रहा है, इस तरह से उनका अभिवादन किया जा रहा है। हम जैसे जैसे मेले में आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों रश बढ़ता जा रहा है। भीड़ बहुत है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी बहुत पूरी तरह से मुस्तैद है। काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है। ये अंदर से की दुकान लगी है, अंदर से यहाँ पर बन रहे हैं गर्मा गर्म। बाकी चाट टिक्की बर्गर चाउमीन की हर तरह की यहाँ दुकानें लगी हुई हैं और लोग मेले में खाने पीने का आनंद ले रहे हैं। ये लोकल टैटूज बनाने वाले हैं पर कृपया इनसे टैटूज ना बनवाइए। आप टैटू अगर बनवाना है तो प्रॉपर पार्लर में जाइएगा क्योंकि ये कोई भी सुई लगा देते हैं उसको उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है और कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो टैटू बनवाना हो प्रॉपर पार्लर में ही जाके टैटू बनवाइएगा दोस्तों। मेले में आप देख रहे हैं दोस्तों हर तरह की दुकानें लगी हुई हैं। ये खिलौनों की हैं, ये क्रॉकरीज वगैरह हैं, प्लेट कटोरी, ये फिर टैटूज वाले, ये आइसक्रीम, ये फल फ्रूट्स बेच रहे हैं। ये बच्चों के झूले लगे हैं, हम बच्चों को झूले में एंजॉय करा सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों इस मेले को का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था क्योंकि अभी तक किसी ने इस मेले का वीडियो नहीं बनाया है और मैं चाहता था इस मेले की जानकारी भी लोगों तक पहुंचे। ये मेला बहुत पुराना मेला है, मुझे लगता है करीब करीब 100 साल से यहाँ लग रहा है। ये सदर कैंट क्षेत्र में लगता है। और सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों ये मेला काफ़ी सस्ता है। अदर मेलों में जाते हैं टॉयज वगैरह बहुत महंगे हैं, क्रॉकरीज महंगी, हर चीज़ महंगा मिलता है, लेकिन इस महंगे मेले में सब कुछ आपको बहुत कम रेट पे मिलता है, बहुत वाजिब रेट पे मिलता है।
इस मेले में 5 रुपये से सामान स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे 100, 200, 300 तक जाता है। ये साइकिल वगैरह की दुकान है, जो प्रॉपर यहाँ की दुकान है ये वो हमेशा लगती हैं, ऐसा नहीं कि वो मेले में आज ही लगी हैं। ये देखिए लेडीज वगैरह बैग वगैरह खरीद रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं। ये भैया भी कुछ बेच रहे हैं, बुद्धे वगैरह, ये सिर्फ 10-10 रुपये में था। यह आमरस है, आपको जानकारी होगी, पहले आमरस लोग बहुत खाते थे, इसको स्टारफल भी बोलते हैं। दोस्तों पब्लिक इतनी है कि निकलना मुश्किल हो रहा है, और पुलिस को सैल्यूट है कि वो बहुत ईमानदारी से ड्यूटी कर रही है, किसी तरह की कोई भी उल्टी सीधी घटना नहीं होने देती है यहाँ पर। ये टॉयज वगैरह की दुकान है बच्चों की, बहुत सस्ता सामान मिल जाता है यहाँ पर। ये देखिए हर तरह की दुकानें हैं, लगी हुई हैं, बच्चों के टॉयज हैं, चश्मे बिक रहे हैं। पब्लिक आप देख रहे हैं ना दोस्तों, काफी तादाद में पब्लिक यहाँ मौजूद है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख क्या ईसाई, सभी धर्म के लोग इस मेले में आते हैं। ये बच्चों के झूले लगे हैं दोस्तों, ये देखिए जंपिंग झूला है, रोलिंग झूला है, और ये बहुत पुराना है, बलून फोड़ने वाला। हम लोगों ने भी यहाँ बलून फोड़े और बहुत मज़ा आया। बस एक चीज़ अच्छी नहीं लगी दोस्तों, इस मेले में गाय वगैरह बहुत रात में घूम रहे हैं, जिससे थोड़ा सा डर रहता है कि बच्चों को सिंह ना मारे या बच्चों की चोट नहीं आए। दोस्तों अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने भी इस मेले की वीडियो बनाई है, मैं पहला बंदा हूँ जो यहाँ आकर ये वीडियो बना रहा है। आपको इस वीडियो की सारी संपूर्ण जानकारी मिलती है दोस्तों, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये मेला कहाँ पर लगता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है मेरा, और आपको लगता है कि मैंने दिल से वीडियो बनाई है आपके लिए, तो प्लीज़ दोस्तों मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, आपकी एक कमेंट एक लाइक एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हौसला मिलता है दोस्तों, और आपके इसी प्यार और हौसले के साथ मैं आगे बढ़ूंगा बढ़ता रहूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें।
दोस्तों मैंने वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है, और अगर कुछ इस वीडियो में त्रुटि रह गई है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हम मेले के बाहर आ चुके हैं दोस्तों। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। चलिए दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।